घटना विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। अलीगढ़ में मंगलवार को गैंगरेप पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़िता के अनुसार डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। अलीगढ़ जनपद में महिलाओं के साथ बदसुलूकी और दुष्कर्म जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। घटनाओं के बाद पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई न किए जाना घटना को बढ़ा रहा है। मंगलवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची गैंगरेप पीड़िता ने एसएसपी आकाश खुलरे से शिकायत कर शेष दो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि विगत 4 जून पीड़िता ने गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की आरोपी पवन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन अब तक शेष दो आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। पीड़ित का आरोप है कि थाना पुलिस की साठगांठ के चलते आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि पति से विवाद के बाद वह अपने मायके सुरेंद्र नगर में रह रही थी, जहां उसकी पड़ोसी महिला और उसके पति ने राजीनामा कराने के बहाने उसको कहीं अनजान जगह बुलाया और चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद आरोपी ने पुलिस कंप्लेंट करने पर आपत्तिजनक वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी। पीड़िता का कहना है कि मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों ने उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वही एसएसपी आकाश कुलरी ने बताया कि वांछित दोनों आरोपी को जल्द से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पेश है अलीगढ़ से पंकज चौधरी की एक खास रिपोर्ट। किस तरीके से गैंगरेप किया, कहाँ ले गए थे आपको? से मतलब आई ये लोग क्वारसी से सुरेंद्र नगर ले गए थे और मुझे अनजान गलियों गलियों किस चीज़ से लेके गए थे आपको? बाइक से लेके गए थे मुझे। कितने लोग थे तकरीबन? जब तो पवन था, बाइक से लेके गए थे मुझे अनजान गलियों में, घुमाया गलियां मुझे याद नहीं है, सुरेंद्र नगर में उनकी सीधी जगह घुमाया था मुझे। फिर कहाँ लेके गए आपको? फिर वो अपने घर से लेके गए थे पवन। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे मुझे ले गए, मुझे वहाँ पे खाना पीना खवाया है, चाय पिलाई है, मैं बेहोश हो गई हूँ। बेहोश होने के बाद में मुझे उन लोगों ने फिर एक लवकुश है वहाँ पे, लवकुश आया था मुझे बेहोश होने के बाद में, एक अनजान व्यक्ति था, इन लोगों ने मेरे साथ गैंगरेप किया था और मेरे साथ बदतमीजी, मेरी वीडियो बनाई। जब आपको होश आया तो आपने क्या देखा? मैंने देखा था, मुझे लवकुश ने अपने फ़ोन में वीडियो और फोटो दिखाए थे, मुझसे कहा था। किस तरीके के वीडियो और फोटो दिखाए थे? मेरे मतलब सेक्स वाले वीडियो थे और फोटो कपड़े वाले थे मेरे। तो अब आपको जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं? मेरे घर पे आ रहे हैं लोग और मुझसे फैसले की कहते हैं, फैसले की मना कर देती हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? सुनवाई तो कुछ नहीं है, कह देते हैं कि हाँ आ जाओ कर देंगे काम, मगर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है मेरे केस में। अभी कुछ नहीं है, मुझे 2 महीने हो गए भागते भागते, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही पुलिस की तरफ से, नहीं किसी की तरफ से। द्वारा जनसुनवाई में आकर के आरोप लगाया गया था कि वो जो अतरौली की रहने वाली है और उसका पति से विवाद चल रहा था, तो वो सुरेंद्र नगर में जो है रहती थी, उसी के दौरान उसकी एक युवक से संपर्क में आई और वो युवक उसको विश्वास में लेकर के अपने घर पे लेकर के गया कमरे के अंदर, और वहां पे जाकर के उसके साथ में रेप किया। और महिला के द्वारा बताया गया कि वो बेहोश हो गई थी, उसी का मुकदमा जो है 376D और 384-506 IPC के तहत में दर्ज किया गया है, और उसी में एक अभियुक्त लवकुश की जो है अरेस्टिंग की गई है पुलिस के द्वारा, और दो अभियुक्त जो हैं पवन और बबलू वो अभी वांछित हैं, उनकी भी जल्दी अरेस्टिंग करके इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे।